गुड मॉर्निंग गाइस, तो कैसे हो आप सब? तो देख सकते हैं आप कितनी बर्फ पड़ी है, बहुत ही ज़्यादा। अभी थोड़ी पेड़ों के ऊपर से निकल गई है, सुबह तो बहुत ज़्यादा थी। चलते हैं, देखते हैं मार्केट के क्या हाल है। और ये अपने देश भाई बर्फ़ खाते हुए, हेलो हेलो हेलो, ये देखिए सामने क्या मस्त व्यू है ना, भयंकर। तो चलिए चलते हैं, पहले गाड़ी को गर्म करते हैं, फिर एक टायर में चेंज चलानी है उसको चलाते हैं, फिर चलते हैं उसके बाद। पहले चलाएंगे चेन स्टेपनी में, उसके बाद चलते आगे। निकलेगी तो ठीक है, नहीं निकलेगी तो देखेंगे तो क्या होता है। अब करते टायर को गाड़ी में फिट, और पहले गाड़ी को निकालते हैं, इसको यहाँ आते सीधे में वहाँ तो नहीं करेगा। गाइस खोलते पहले टायर, फिर लगाया गया चेन वाला टायर। आइए खोलते पहले। गाइस लग चुकी है चेन, अब चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक रोड खुला है, क्या सीन है। चलो सो गाइस हम निकल गए हैं, देखते हैं चौक बाजार के क्या हाल है। अभी हमारा रोड है तो अभी नहीं खुलेगा है दो दिन मेरे ख्याल से, तो बहुत ज्यादा बर्फ है, बहुत ज्यादा है। गाड़ी वाले पर भी जानी चाहिए, बाकी ये बात गाइस देख सकते हैं आप कितनी बर्फ है, ये देखिए गाड़ी का डिफरेंशियल मुझे दिख रहा है, टंकी दिख रही है हल्की सी, अभी बर्फ में टच है, बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ी है। तो चलिए चलते आगे, दिखाते हैं आपको आगे क्या है। गाड़ी तो चली है वैसे इसमें कोई, पर वो शायद थोड़ी जल्दी निकल गई है, उसके बाद हल्की हल्की और पड़ी है ना। हाँ देखते हैं आगे, एक चढ़ाई हो यहाँ, हल्का सा पेड़ गिरा हुआ है छोटा सा, एक नन्ना मुन्ना ओ यार यहाँ तो है अभी बिल्कुल ही ऊपर ऊपर से। यहाँ सामने से चढ़ाई शुरू होती है, उसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बाकी तो निकल जाएंगे। कटिंग उधर कर, मेरी साइड कर, और कर दे और कर दे और कर दे, अब चढ़ा 4x4 में फुल। पंच की पंखु अब परे पर अपने अबे यहाँ तो दूसरी ट्रेन भी नहीं चलेगी।
सुन कटिंग कर किधर को थोड़ी की भी किधर को कंडक्टर साइड को कंडक्टर साइड तब घूमेगी पीछे नीचे को क्या करना तभी उतनी वहां से ये थोड़ी गाड़ी गई है फस यहाँ ऊपर इंजड़ी इधर से यहाँ से ऊपर नहीं चढ़ पाई है बहुत अला बर्फ देख सकते हैं किस तरह से फंसी है बिल्कुल यहाँ से नीचे को एक रोड जा रहा है दूसरे वाला ना उसमें फंस गई है नीचे को यहाँ से स्किड हो गए पूरी गाड़ी फंस गई इसके नीचे पूरी छू गई नीचे टायर भी गंजे ना पंगा तो ये पड़ रहा है ये देखो तो अभी बर्फ़ निकाल रहे टायर के नीचे से ये देखिए कहाँ से कैसे फंसी हुई है तिरछी एकदम ये दूसरा रोड जा रहा नीचे को वहाँ से आई वापस गाड़ी फिर यहाँ इसके बाद नहीं चल पाई ऊपर तो अब निकाल दिया हमने बर्फ एक और ट्राई मारते अगर सीधे में चली जाएगी तो हम वैसे जैक लगा देंगे और दूसरी चेन चढ़ा देंगे फिर शायद ऊपर चढ़ पाएंगे नहीं तो अब तो बहुत मुश्किल लग रहा है बर्फ बहुत ज़्यादा है जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी उससे तो काफ़ी ज़्यादा है बर्फ अब देखते एक ट्राई और मारते क्या होता है गई तो है वहाँ का तो कोई दिक्कत नहीं आई और साफ करनी पड़ेगी पंकू रुक जा रुक जा रुक जा बर्फ साफ करनी पड़ेगी और चली जाएगी अब पीछे ऐसे लग रहा पूरी की पूरी गाड़ी बर्फ में दब चुकी है बहुत मुश्किल लग रहा है अभी इसको यहाँ से निकालना पर निकालनी तो पड़ेगी कुछ ना कुछ करके एक दिक्कत और है अब अगर ये गड्डी नीचे थोड़ी और फिट हुई ना तब फिर ये बर्फ और घुस जाएगी टायर के नीचे बहुत सारी सर कोई ट्राई मारते ट्राई तो मारना हमने यहाँ से तो गाड़ी निकाल दी थी बहुत मशक्कत के बाद ये देख सकते हैं आप टायर के निशान कैसे खोला हुआ टायर यहाँ पे नीचे निकल तो चुकी है पर अब हम लगाया कि इसमें एक टायर उधर सॉरी चेन उस वाले टायर में एक पहले ही पीछे लगी हुई उस साइड को तो चलिए चलते हैं निकालते हैं यहाँ से गाड़ी रोड में बहुत मशक्कत के बाद हाथ देख सकते हो पूरे ठंडे हुए हैं
देख सकते हैं आप लोग, ऊपर को दिखाओ, ऊपर को देखो, ऊपर को क्या नजारा है, भयंकर बर्फ, भयंकर मजा आ गया साल तो, क्यों भाई बहुत मजा आ गया, बहुत मजा आएगा, थोड़ी क्रस्टी करनी पड़ी हमारे को, पर कोई नहीं, वो किसका फल होता है, सब्र का फल, वो सब्र का फल मीठा ही होता है, और इतना मीठा है कि ठंड से तो फटी हुई है, पर मजे आ रहे हैं। ये पॉइंट ऐसा है यहाँ पे जल्दी जल्दी बर्फ ही निकलती, यहाँ पे धूप ही लगती। तो हम पहुँच चुके हैं वापस, बहुत ही एंजॉय किया आज का दिन हमने, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, देख सकते हैं आप अभी भी उधर पीछे हल्की हल्की धूप लगी हुई है पीछे को, सूरज भी अब छिपने वाला है। तो एंड करते इस वीडियो का यहीं पे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर बिल्कुल ज़रूर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।